दूरबीन AK-47 300 गज की दूरी, सामने खड़ी थी मौत, फिर कैसे मौत को ट्रंप ने दे दी मात। 9 हफ्तों में दूसरी बार हमला। किसने भेजी थी मोदी के दोस्त को मारने के लिए AK-47, हो गया सबसे बड़ा खुलासा। कौन है वो भस्मासुर जो डोनाल्ड ट्रंप की जान के पीछे पड़ा है? जानिए क्यों हो रहे हैं ट्रंप पर लगातार हमले। कौन है रयान वेस्ले जिसकी ठाए ठाए से हिल गया अमेरिका? जब गोली चली तब कहां और क्या कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप? जी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर से हमला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं। ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित वेस्ट पाम बीच पर इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के बाहर गोलीबारी हुई है। FBI ने इसे एक बार फिर से ट्रंप की हत्या का प्रयास बताया है। आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फ्लोरिडा स्थित घर में गोल्फ खेल रहे थे, तभी लगभग 300 मीटर की दूरी पर कोर्स के किनारे झाड़ियों के बीच से किसी ने गोली चला दी। हमलावर ने जैसे ही गोली चलाई, सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी हमला कर बंदूकधारी को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप पर कौन हमला करवा रहा है? कौन डोनाल्ड ट्रंप की जान का दुश्मन बना हुआ है? इतनी सुरक्षा के बाद भी कैसे डोनाल्ड ट्रंप के पास बार बार हमलावर पहुंच जाते हैं? तो आपको बता दें, FBI ने बताया है कि एक सीक्रेट सर्विस एजेंट ने हमलावर द्वारा हमला करने के बाद ही उस पर जवाबी कार्रवाई की थी और उसके बाद वो राइफल छोड़कर एक SUV में भाग निकला। आरोपी एक बंदूक, 2 बैकपैक, 1 GoPro कैमरा और लाया था। इसके बाद अधिकारियों ने काउंटी तक उसका पीछा करते हुए आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। मार्टिन काउंटी के शेरिफ विलियम स्नाइडर ने बताया कि पकड़े जाने के बाद आरोपी शांत था और कुछ भी बोला नहीं। स्नाइडर ने कहा कि मामले में भी जांच चल रही है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि यह गोलीबारी ट्रंप को ही निशाना बनाकर की गई थी या फिर कोई और कारण। हालांकि FBI ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये ट्रंप की ही हत्या का प्रयास लग रहा है। आपको बता दें, 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को गोली मार दी गई थी। हालांकि गनीमत रही कि गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जान बाल बाल बच गई थी। इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के बाहर हुई गोलीबारी में ट्रंप पूरी तरह सुरक्षित है। हमले के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि वो किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें और ये जान लें कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं सरेंडर नहीं करने वाला। घटना के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी जानकारी दी गई। व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडेन को ये जानकर खुशी है कि ट्रंप सुरक्षित है। डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति पद की प्रतिद्वंदी कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है। वहीं समाचार एजेंसी AP ने कुछ कानून प्रवर्तन अधिकारियों के हवाले से बताया है कि हिरासत में लिए गए आरोपी की पहचान रयान रोथ के रूप में हुई है। FBI हत्या के प्रयास की जांच कर रही है। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वो 2002 में हथियार रखने का दोषी ठहराया गया था। आरोपी रयान रोथ ट्रंप का आलोचक है और डेमोक्रेट का समर्थन करता है। वो डोनाल्ड ट्रंप से चिढ़ता है, शायद इसी वजह से उनकी हत्या का प्रयास उसने किया है। हालांकि इस मामले में अभी और भी डिटेल्स आना बाकी है।